प्रेरणा कथा, दादाजी की कहानी। वसंत के आगमन की खुशबू वातावरण में थी। सर्दी का मौसम लगभग समाप्त हो चुका था। सुबह की ठंडी ठंडी बयार बह रही थी। मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब से कुछ दिन पहले उनको ठंड लगती थी, परंतु आज उनको थोड़ा पसीना आ रहा था। राहुल खेल के बाद घर पहुंचा और उसने अपने दादाजी को आवाज लगाई। दादाजी, मैं घर आ गया, आप कहाँ हैं? अंदर के कमरे से आवाज आई, बेटा मैं अंदर हूँ कमरे में, आ जाओ। राहुल अंदर गया तो पाया कि दादाजी बिस्तर पर कोई किताब पढ़ रहे थे। वो उठकर बैठ गए और उन्होंने राहुल को चूम लिया और अपने पास बिठा लिया। राहुल के माता पिता तो बहुत पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उस समय वो एक वर्ष का भी नहीं था। उसके दादाजी ही सिर्फ उसकी दुनिया थे। राहुल सब बच्चों से कहा करता था, मेरे दादाजी सबसे अच्छे हैं, मेरे लिए सब कुछ ले आते हैं। राहुल के दादाजी गजराज सिंह अपनी युवावस्था में अपने इलाके के सबसे शक्तिशाली नौजवान होते थे। वो चार चार जवानों को अकेले ही कुश्ती में पटक देते थे। दादाजी ने कहा, राहुल बेटा जाओ सबसे पहले मुंह धो लो। राहुल बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। जी दादाजी, मुंह और हाथ पैर सब धोकर आता हूँ। दादाजी ने देखा कि राहुल कुछ निराश दिख रहा था। उन्होंने उसको पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों दिख रहे हो? राहुल ने सहमे सहमे स्वर में कहा, दादाजी आज हम मैच हार गए। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, राहुल के सर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अगली बार जरूर जीत जाओगे। राहुल ने कहा, वहाँ एक लड़की थी, वो वहीं खड़ी थी। दादाजी ने देखा कि राहुल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो समझ गए कि उस लड़की के कारण राहुल का ध्यान खेल पर नहीं रहा होगा। दादाजी ने, क्या हो, क्यों, क्या किया उस लड़की ने? वो राहुल की आंखों में देखने लगे। राहुल ने कहा, दादाजी मैं बैटिंग कर रहा था पर मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ चला जा रहा था, मैं अचानक आउट हो गया। वो मूर्ख सुमन ने मुझे इतनी सीधी गेंद पर आउट कर दिया। दादाजी ने राहुल की पीठ पर हल्के से थपकी दी और कहा, आ बेटा मेरे पास बैठ जा, मैं तुझको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल की आंखों में चमक आ गई। कहानी? क्या मुझे आप अपनी कहानी में राजकुमार बना देंगे? आओ बैठो और सुनो, दादाजी ने उसको अपने पास बैठाते हुए कहा। राहुल उनके साथ ही बिस्तर पर बैठ गया। दादाजी ने बोलना शुरू किया, 70 साल पहले। राहुल ने कहा, रुकिए दादाजी, क्या ये कहानी राजा रानी वाली है? दादाजी ने कहा, नहीं ये दूसरी कहानी है, ये एक सच्ची कहानी है। 70 साल पहले एक फौजी था। उसकी तलवार के बल पर उसने बहुत से युद्धों में अपनी फौज के साथ विजय प्राप्त की थी। लोग उस सिपाही को योद्धा कहते थे। वो लंबा तगड़ा और बहुत सुंदर नौजवान था। उसको देखकर आम लोगों को अपने ऊपर शर्म आ जाती थी। राहुल ने कहा, दादाजी अगर वो फौजी था तो उसकी बंदूक कहाँ थी? वो तलवार से क्यों लड़ता था? तलवार से तो युद्ध नहीं जीते जाते। दादाजी ने कहा, बेटा 70 साल पहले सब युद्ध तलवारों से ही होते थे। उस समय रियासत के राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। उनके फौजी तलवारों, बर्छों और भालों से लड़ते थे। योद्धा सबसे अच्छा तलवारबाज था। एक दिन स्थानीय अखाड़े में तलवारबाजी की प्रतियोगिता हो रही थी। योद्धा भी उसमें भाग ले रहा था। बहुत से लोग वहाँ तलवारबाजों को देखने के लिए आए हुए थे। राहुल ने कहा, योद्धा तो जीत ही गया होगा। दादाजी ने गंभीर होते हुए कहा, नहीं बेटा उस दिन योद्धा नहीं जीता, वो हार गया। पर दादाजी वो कैसे हार गया, अभी तो आपने कहा कि वो सबसे अच्छा तलवारबाज था। दादाजी ने कहा, जब वो एक दूसरे तलवारबाज के साथ लड़ रहा था, वहाँ दर्शकों में एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की भी खड़ी थी। राहुल का चेहरा लड़की शब्द सुनकर फिर से सुर्ख हो गया। दादाजी ने मुस्कुराकर कहानी आगे बढ़ाई। एक क्षण के लिए
योद्धा का ध्यान तलवारबाजी से हट गया। उसके प्रतिद्वंदी की तलवार उसके घुटने पर आकर लगी और उसका घुटना घायल हो गया। दादाजी रुक गए और सोचों में खो गए। उन्होंने अपने एक घुटने को थपथपाते हुए कहा, यही घुटने पर लगी थी वो तलवार। राहुल ने कहा, दादाजी आप कहानी बना रहे हैं, यह सच्ची कहानी नहीं है। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, उसकी बाई टांग घायल हो गई और वहाँ बैठे जज लोगों ने मुकाबला रोक दिया। उसको डॉक्टर लोग ले गए और उसका उपचार करने लगे। जब वो बाहर आया तो एक छड़ी के सहारे चल रहा था। वो सीधा उस लड़की के पास गया और बोला, तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की शर्मा गई और कुछ दिन बाद उनकी शादी हो गई। राहुल ने जोर से हंसते हुए कहा, और उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ साथ जीवन बिताने लगे। दादाजी ने सर हिला दिया। उन्होंने दीवार पर लटकी एक फ़ोटो की तरफ देखा। उस फोटो में लाल साड़ी में एक औरत थी, वो दुल्हन थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस फोटो पर एक फूलों की माला थी। राहुल ने कहा, दादाजी आपने कहा था कि यह सच्ची कहानी थी, आपको कैसे पता चला? क्या आप इस योद्धा को जानते थे? दादाजी हंसने लगे पर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई, धीरे धीरे लंगड़ा कर चलते हुए कमरे से बाहर चले गए। उस स्त्री की फोटो और राहुल ही उस कमरे में रह गए। मित्रों, ठीक ही कहते हैं कि प्रेम किसी को बना देता है और किसी को बर्बाद कर देता है। कई बार बहुत से खिलाड़ी महान होने से रह जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई लड़की आ जाती है, और कई बार साधारण खिलाड़ी महान बन जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई लड़की आ जाती है। विवाह के बाद सचिन तेंदुलकर ऊपर की तरफ उठता चला गया और दुनिया का महानतम बल्लेबाज हो गया, पर विवाह के बाद द्रविड़, सहवाग और धोनी जैसे महान खिलाड़ी नीचे ही आ गए और बीती बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।